Hello friends and welcome to the Mr. Flame where you can find lots of fun, masti and unlimited entertainment. In this video, we will tell you that there are some such villains who are more powerful than Thanos. So, which are they? Let's see. In Infinity War, Thanos has proven that he is one of the most powerful villains. He is very dangerous for the Earth's mightiest heroes. And to defeat him is not an easy task. And in this universe, there are many super villains who are extremely powerful. Some of them are more Thanos than Thanos. And it is possible that they can see our future Marvel movies. This is जा रहा है कि एवेंजर्स 4 मूवी में थानोस से भी बड़ा विलन हमारे सामने आ सकता है, या वो मूवी में एक बड़ा बहुत बड़ा खतरा बन के आएगा, या फिर आगे की मूवीज के लिए उसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। जैसे थानोस को इन्फिनिटी वॉर के पहले बहुत सारी मूवीज में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इन्हीं में से एक है डोरमामू, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी में मेन विलेन रह चुका ये कैरेक्टर विलेंस में से सबसे पावरफुल विलेंस में से एक ही है। ये एक डार्क वर्ल्ड का रूलर है और बहुत सारी पावर्स रखता है। ये एक गॉड की तरह है जो कि अनस्टॉपेबल हो जाता है। भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम में फंसा कर उसे हरा दिया हो, लेकिन डोरमामू नाम का खतरा हमेशा के लिए नहीं टला है। और अगर डोरमामू फिर से हमारे सामने आता है तो इस बार उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। और वो बता दें कि पिछली बार भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हराया नहीं था, बल्कि उसे एक ट्रिक में फंसाया गया था। और अगर वो पूरे पोटेंशियल में हमारे सामने आए तो वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और डोरमामू के जस्ट बाद एक विलेन आता है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन मार्वल यूनिवर्स की कई सारी बड़ी मूवी का हिस्सा बना रहा है। कई सारी स्टोरी लाइन्स है जहाँ पे अल्ट्रॉन ने दुनिया को लगभग डोमिनेट कर ही दिया था। ये एक ऐसा सुपर विलेन है जिसके बारे में लगता है कि इसका कोई तोड़ ही नहीं है, और माना जा रहा है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद भी ये अलाइव है, मतलब ये दोबारा आएगा। और कॉमिक बुक में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ इसे पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन के समान है, और ये किसी न किसी तरह दोबारा हमारे सामने आ ही जाता है। जिस तरह अल्ट्रॉन सोचता है और इसकी पावर है, और उसको इस तरह रोकना अर्थ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो अल्ट्रॉन कॉमिक बुक से हमारे रियल वर्ल्ड मतलब कि एमसीयू की मूवी में ज्यादा ताकतवर और ज्यादा पावरफुल है। उसके पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है। वो मूवी में अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाए, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसा ही हो। और अब इसके बाद एक विलेन है डॉक्टर डूम। डूम वैसे तो एक ह्यूमन है, लेकिन मार्वल की कई सारी स्टोरी लाइन्स में वो अपनी जगह बना चुका है, और यह साबित कर चुका है कि वो एक अनस्टॉपेबल विलेन है। हमें डॉक्टर डूम दिखाया जा चुका है फैंटास्टिक 4 की मूवी में, जहाँ इसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल ही था। और डूम के पास टेक्नोलॉजिकल पावर्स तो हैं ही, उसके साथ वो सॉर्सरी में भी एक्सपर्ट है, और इसी वजह से ये नॉर्मल विलेन से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि मार्वल की अधिकतर टाइमलाइन केवल दो चीजों के आसपास ही घूमती रहती हैं, एक है टेक्नोलॉजी और दूसरी मैजिक। और डूम एक ऐसा विलेन है जो दोनों को ही कंट्रोल कर सकता है, पर एक मास्टरमाइंड है। इसने धरती पर कुछ ऐसी जगह बना रखी है कि इसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो चलिए अब अगले विलेन की बात करते हैं, जो कि है मेपिस्ट्रो, रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, जिसे मार्वल यूनिवर्स का सेटम भी माना जाता है। और अगर ऐसा है तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल विलेन है। पूरे मार्वल विलेन्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम काफी कॉमिक स्टोरी लाइन में देख चुके हैं कि इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड का रूलर है और साथ ही अपनी ट्रिकरी के जरिए ये अर्थ पे भी अपनी जगह बना ही लेता है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट विलेन, जो कि एक गैलेक्टस, और इसीलिए इसे कहा जाता है डिबारर ऑफ द वर्ल्ड। और इस करेक्टर से हमारा थानोस भी डरता है। गैलेक्टस ने जितने वर्ल्ड को खत्म किया है उतने शायद किसी ने नहीं किया होगा। गैलेक्टस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे के पूरे प्लैनेट को कंज्यूम कर लेता है, मतलब कि खा लेता है। ये कैरेक्टर इस यूनिवर्स से भी पुराना है। और अगर रॉ पावर और स्ट्रेंथ की बात की जाए तो गैलेक्टस और विलेन से सबसे ज्यादा पावरफुल विलेन बन जाता है। और इसके बाद आता है हमारा अगला विलेन, जो कि एक कैंग द कॉन्करर, फ्यूचरिस्टिक सुपर विलेन जो कि टाइम ट्रेवल पर मास्टरी हासिल कर चुका है। टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे है और हमारे समय से बहुत ज्यादा समय आगे है, लेकिन ये हमारे समय के बारे में सब कुछ जानता है, और इसीलिए एक बहुत बड़ा खतरनाक विलेन बनकर हमारे सामने आता है। वैसे तो अधिकतर मार्वल की कॉमिक्स की टाइमलाइन में इसे साइड विलेन के ही रूप में रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। और अगर कैंग द कॉन्करर हमें एक मेन विलेन की तरह सामने आता है तो इसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और अगला एक खतरनाक विलेन है मैगस। मैगस एडम वॉरलॉक का एक इविल हिस्सा है। जब एडम वॉरलॉक के अंदर से सारी अच्छाई और सारी बुराई हटा दी गई, तभी उसकी सारी बुराई मिलके बनी मैगस, और तभी से ये एमसीयू के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। काफी सारी मार्वल की कॉमिक्स में हम इसे बहुत बड़ा विलेन बनते हुए देख सकते हैं, और उसे रोकने के लिए केवल अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज भी काफी नहीं होते, अर्थ के बाहर के भी सारे सुपर हीरोज को मिलकर इसे रोकना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं लिस्ट के आखिरी कैरेक्टर की तरफ, जो कि है अनहेलस। अगर आपने मार्वल की अनहेलाइजेशन
कॉमिक बुक पढ़ी होगी या कहीं देखी होगी तो आपको पता होगा कि अनहाइलस कितना ज्यादा पावरफुल है। ये एक दूसरे यूनिवर्स से आता है और हमारी यूनिवर्स पर कब्जा जमाना चाहता है। उसे अपनी इच्छा से पूरी तरह बदल देना चाहता है और इसके लिए उसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और ऐसा करने के लिए उसके पास है एक एंडलेस आर्मी, ऐसी आर्मी जिसके आगे मार्वल के कई सारे बड़े कैरेक्टर्स हार चुके हैं। और अब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये थे कुछ सुपर विलन जो हमें मार्वल की फ्यूचर की मूवीज में फेज 4 में दिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप में से कौन सा विलेन आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी फ्लेम, मेक फ्लेम, मेक समथिंग वर्न। आप देख रहे हैं मिस्टर फ्लेम और मैं अनुभव। बाय।